नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश आप लोगों के सामने, और एक इम्पॉर्टेंट छोटा सा ये अपडेट वीडियो है आप लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। अभी आप लोगों ने ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की पोस्ट को लेके एक लेटर देखा है। वो लेटर ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में है, चाहे तो देख सकते हैं, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा। उसको देखने के बाद बच्चों के बीच में एक कौतूहल का विषय था कि क्या ये भर्ती अब आने वाली है क्या। तो बता दें, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर मतलब खंड शिक्षा अधिकारी, जो कि एक बहुत बहुत ही राजपत्रित पद और एक अच्छा पद है, जिसके और गैर PCS पोस्ट में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा पद है BED वालों के लिए, तो लाजमी भी है। पिछले साल ही इसमें करीब 300 से अधिक पदों की भर्ती हुई थी, और एक बहुत रेगुलर पद नहीं है, बहुत समय बाद भर्ती निकली थी वो भी। तो जब ये इसमें बेसिकली पूछा गया है कि कितनी रिक्तियां हैं, मतलब कितनी वैकेंट पोस्ट हैं इस समय सिस्टम में, मतलब प्रशासन में, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स को लेकर उसकी डिटेल मांगी गई है इंटरनल। लेकिन अब तो कुछ भी चीज़ जो पब्लिक डोमेन में आती है तो आशान्वित करती भी है, तो इसके ऊपर ही एक छोटा सा वीडियो है। तो अभी देखिए, ये जो अगर आप इस लेटर को अगर आप देखेंगे, ये लेटर है, तो एक बहुत ही रूटीन और बहुत ही सिंपल भाषा में ही देखने में लग रहा है कि समय समय पे ही डिटेल पूछी जाती हैं। लेकिन इससे ये है कि अब सरकार इस इनके अब एक प्रकार से वैकेंट पोस्ट का एनालिसिस कर रही है। तो सबसे पहले वैकेंसीज निकलने के लिए सबसे पहले वैकेंट पोस्ट का ही एनालिसिस होता है कि कितनी एक्चुअली वैकेंट पोस्ट हैं, ये वैकेंसी क्या आ रही है। इसके विषय में अभी तो मैं आशंकित हूँ कि अभी बहुत इतनी कंक्रीट न्यूज़ इस लेटर से नहीं लगा सकती कि वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन हाँ, एक बहुत इनिशियल कुछ चीज़ें रखी जा रही हैं, इनिशियल डिटेल्स की जा रही है। अब दूसरी बात, क्या इसको लेके बहुत ज़्यादा होपफुल हो जाना है और बिल्कुल ही अब इसके लिए अलग से तैयारी करने की कुछ ज़रूरत है? अलग से तैयारी करने की कुछ बहुत ज़रूरत नहीं है। आप सोचिए सिंपल भाषा में, अभी आप जिन परीक्षाओं के प्रिपरेशन कर रहे हैं, करते रहिए, जिसने BO का पेपर देखा था, बिल्कुल BO PCS RO के जैसा आता है, उसी स्तर की GS पूछी जाएगी, अलग से कोई रामायण नहीं पढ़नी होती है इसमें। अपना प्रिपरेशन करते रहिए PCS के लिए, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए RO के लिए, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए UPPIT के GS पोर्शन के लिए, वही सब चीज़ें वहाँ पर भी आएंगी। अलग से कुछ भी ब्लैबरिंग में नहीं फंसना है, ना ही किसी चंडाल चौकड़ी लोग जैसे लोगों की बातों में फंसना कि अब ये हो जाएगा वो, पूरी दिनचर्या आपने डिस्टर्ब नहीं करना। वैकेंसी आएगी तो गुड, नहीं आई तो कोई बात नहीं, आज नहीं आएगी तो कल आएगी, इस साल नहीं आएगी अगले साल आएगी, कभी आएगी। लेकिन हाँ, आपको व्यवधान अपने सिस्टम में नहीं लाना है। सिर्फ इस लेटर के दम पे यही नहीं बोल सकते कि वैकेंसी आ रही है, लेकिन हाँ, ऐसी कोई चीज़ होती तो पॉजिटिविटी ज़रूर होती है। तो अच्छा है, आपको मेहनत करने का बहाना और मिल सकता है, लेकिन टोटली अब डिपेंड होकर ये नहीं सोचना है कि वैकेंसी कब आएगी, इररिलेवेंट है बिल्कुल से। ये सोचना कि अब आनी ही है, मुझे अभी पर्सनली मुझे अभी उम्मीद नहीं है कि 7-8 या 6-7 महीने में कुछ ऐसा कुछ वैकेंसी देखने को मिल सकती है। लेकिन हाँ, ऐसे पदों के लिए प्रिपरेशन के लिए भी कम से कम 1 वर्ष का एक माकूल समय भी चाहिए होता है। तो ये लगा लीजिए, कभी भी आएगी तो उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, बस वही समय है रेडी रहने का। बस इस वीडियो में इतना ही, बहुत सिंपल, बिल्कुल डिस्टर्ब। ये वीडियो सिर्फ इसलिए थी कि आप परेशान ना हो, रूमर मॉन्गरिंग का शिकार ना हो, रूमर मॉन्गरिंग आपकी एफिशिएंसी को रिड्यूस करेगा। ठीक है, थैंक यू। जनहित में जारी, बाय।